then we will learn new topic days of week. Days of week means सप्ताह के दिनों के नाम. Days of week. Now students tell me how many days in a week? There are 7 days in a week. First Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Sunday is a holiday. So now students take out your notebook and start writing with me. So let's start. First date, CW, day. Days of week. First MONDAY, Monday. Tuesday TUESDAY, Tuesday. Wednesday WEDNESDAY, Wednesday. Thursday THURSDAY, Thursday. Friday FRIDAY, Friday. Saturday SATURDAY, Saturday. Last Sunday SUNDAY, Sunday. Now once again repeat MONDAY, Monday. TUESDAY, Tuesday. WEDNESDAY, Wednesday. THURSDAY, Thursday. FRIDAY, Friday. SATURDAY, Saturday. SUNDAY, Sunday. Okay students, now students you have to practice at home. Now students we are move on next topic, home of animals. Home of animals क्या है? जो animals के घर होते हैं उनके name होते हैं कुछ, तो आज हम वो सीखेंगे home of animals. मैचअप form में सीखेंगे इसको. First date CW day. Topic home of animals matchups. ठीक है, animals लिखे हैं home. एनिमल्स के नीचे वन नंबर पे मैंने लिखा है एनिमल्स डॉग, रेड, काउ, बर्ड, लायन, हॉर्स. ठीक है, ये जो एनिमल्स मैंने दिए हुए हैं इनके होम होते हैं, इनके होम के नेम होते हैं कौन कौन से हम आज वो देखेंगे. डॉग, डॉग के होम को बोलते हैं केनल. रेड हॉल. काउ शेड. बर्ड नेस्ट में रहती है. लायन डेन. लायन की जो गुफा होती है उसको डेन बोलते हैं. हॉर्स स्टेबल. ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे. डॉग कैनल, रेड हॉल, काउ शेड, बर्ड नेस्ट, लायन डेन, हॉर्स स्टेबल. ठीक है, ये एनिमल्स हैं और इनके सामने मैंने इनके होम लिखे हुए हैं लेकिन मैचअप फॉर्म में लिखे हुए हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूव ऑन लास्ट टॉपिक माई सेल्फ. माई सेल्फ क्या होता है? माई सेल्फ यानी कि अपने बारे में बताना. अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कैसे बताते हो? कोई आपसे पूछता है, आपके घर पे कोई आता है या स्कूल में आप जाते हो तो मैम आपसे पूछती है ना व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताते हो माई नेम इज. ठीक है, आपसे पूछा इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप अपने बताते हो एलकेजी क्लास, आई स्टडी इन एलकेजी क्लास. इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आई स्टडी इन संस्कार पब्लिक स्कूल. Where do you live? I live in Kota City. आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो, आपका नेम क्या है. ये होता है माई सेल्फ शॉर्ट में, कि छोटा सा छोटे बच्चों के लिए कि हमें ओनली सिक्स लाइन्स लर्न करनी पड़ेगी माई सेल्फ में. फर्स्ट
डेट सी डब्ल्यू डे मेंशन करेंगे, माई सेल्फ टॉपिक फर्स्ट है, फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या बोलना होता है माई सेल्फ में, माई नेम इज, माई नेम इज, इसके बाद आप अपना अपना नाम बोलेंगे, माई नेम इज, जैसे मेरा नाम मोनिका है, मैंने लिखा मोनिका, मो नी का, ठीक है, आप अपना नेम लिखेंगे यहां पर मोनिका की जगह, जहां मोनिका है वहां आप अपना सेल्फ का नेम लिखेंगे, ठीक है, जैसे आपका नाम अगर राम हुआ तो आप बोलोगे माय नेम इज राम, माय नेम इज अहमद, जो भी आपका नाम है आपका सेल्फ का नाम आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो, आई एम ए, आई एम ए, आप क्या हो, बॉय हो तो बॉय की स्पेलिंग आएगी, गर्ल हो तो गर्ल की स्पेलिंग होगी, आई एम ए बॉय, बॉय बॉय लिखेंगे और गर्ल गर्ल लिखेंगे, ठीक है, जैसे आई एम ए मैं गर्ल हूं तो आई एम ए गर्ल लिखूंगी, बॉय नहीं लिखूंगी, ठीक है, तो आई एम ए गर्ल, अगर आप बॉय हैं तो आई एम ए बॉय, आप गर्ल नहीं लिखोगे, जो बॉयज है वो गर्ल नहीं लिखेंगे, जो गर्ल्स है वो बॉयज नहीं लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट आई एम इयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हो, आई एम फाइव, आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फोर आई स्टडी इन क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, एचकेजी, तो आई स्टडी इन एचकेजी क्लास, आई स्टडी इन एचकेजी क्लास, ठीक है। आई स्टडी इन स्कूल, स्कूल लिखा हुआ है यहां पर तो हमें अपने स्कूल के बारे में बताना है, आई स्टडी इन संस्कार पब्लिक, ठीक है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वो स्कूल का नाम यहां पर लिखेंगे आप, आई स्टडी इन संस्कार पब्लिक स्कूल, एंड लास्ट आई लिव इन कोटा सिटी, कौन सी सिटी में हो, कोटा, हम कोटा में रहते हैं तो कोटा लिखेंगे, कोटा सिटी, ठीक है, आई लिव इन कोटा सिटी। नाउ वंस अगेन रिपीट, माय नेम इज मोनिका, आई एम ए गर्ल, आई एम फाइव इयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन एचकेजी क्लास, आई स्टडी इन संस्कार पब्लिक स्कूल, आई लिव इन कोटा सिटी, ओके, थैंक यू।